कामाख्या। जय माँ भवानी। कैसे भक्तों, मैं आप सभी भक्तों को माँ कामाख्या ज्योतिष की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और ख़ास करके जो मसान काली की साधना करते हैं उसको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, मैं आज जो है 4 नंबर में, चैप्टर 4 में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ भक्तों कि आपको क्या करना है। और आप भक्तों, सिद्धि करने वाले जो है वह कुश की आसन सबसे अच्छा होता है। कुश की आसन लगा कर बैठें, और नहीं होता है तो ऊनी जो कंबल होता है कंबल का आसन लगा के बैठें। और मैं आप आज बता रहा हूँ एक सावर मंत्र, एक ही बताऊँगा आपको। उस सावर मंत्र से आप जो है उसकी 21 दिन साधना करें, और उससे आप जिसको चाहे किसी के शरीर पे अगर भूत पिशाच आता है और वह छोड़कर चला गया है, या किसी को कोई परेशान करता है, कोई डैन है, कोई जोगिन है और उन्हें परेशान करता है, और अगर आप उसको बुलाना चाहते हैं तो आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। वह मंत्र पढ़ के और आप जो है चावल एक बार फेंक दीजिए आप उत्तर से दक्षिण के ओर, और या नहीं तो एक कौड़ी, चित्ती कौड़ी को उस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके आप उसको फेंक दीजिए, और देखिए जो ऐसा किया होगा वह जो है आपके सामने तुरंत पहुंचेगा और समस्या का समाधान हो जाएगा और आपकी ख्याति बढ़ जाएगी, दुनिया में आपका नाम बढ़ जाएगा। मैं आपको वह मंत्र बता रहा हूँ, आपको आप इस मंत्र को अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा, और फिर नहीं बोलिएगा कि व्हाट्सएप पे फिर से लिख के भेजिए, हमारे पास समय नहीं है, मैं बार बार आपको बताता हूँ। एक मंत्र है आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने या आप लिख लें। मियाँ मियाँ जालगिर बालगिर केक्कर पुत मुसलमान के पुत, हाथ कटोरा माथले फूल, दीवी छत बोधने, डाइन छत गुण काटने, भूत छत पकड़ने, छल करे बात करे जितते सुगर छुरी हलाल करे। दोहाय मियाँ जालगिर बालगिर की, दोहाय गुरु की। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मियाँ मियाँ जालगिर बागिलगिर केक्कर पुत मुसलमान के पुत, हाथ कटोरा माथले फूल, देवी छत बोधने, डाइन छत घुन काटने, भूत छत पकड़ने, छल करे बात करे जितते सुगर छुरी हलाल करे। दोहाय मियाँ जालगिर बालगिर की। भक्तों, यह मंत्र को आप 21 दिन पहले आपको साधना करना पड़ेगा। अब यह नहीं कि हम बोल दिए और आपने हवा में उड़ा दिया तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। 21 दिन इस मंत्र का आपको साधना करना पड़ेगा। ये कामाख्या की बहुत बड़ी जो है सावर मंत्र है। 21 दिन आप इसका साधना करिए, और उसके बाद इस मंत्र को याद करके, और फिर आप सिद्धि होने के बाद में जो है फिर इस चीज़ को करिए, आपको सफलता मिलेगी। जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी। मैं अपनी बातों को समझ